जीप के नीचे थर्मामीटर लगाकर मैं समय समय पर मापता रहा उनकी आत्मा का तापमान। एक समय उपवास रखा, दिन में 2 मिनट ईश्वर में विश्वास किया, अनगिनत बर्तन रखे अपने सपनों में ताकि उन्हें चीजें मिलती रहें गुस्से में तोड़ने के लिए। अपनी आंखों से 2-4 तितलियां निकालकर उनके तनाव भरे चेहरे पर मसलता रहा। उनकी बगल में हर सुबह अपने नाम का एक खंजर रखा मैंने। अपने अंदर उन्हें बांस की खेती और हिरणों का शिकार करना सिखाया। जिन्होंने मुझे मारना चाहा, मैंने उनके लिए भी लिखी कविताएं। अब आज़ादी की बात है तो ये कविताएं जो हैं वो अलग अलग तरह की आज़ादियों के बारे में हैं। पहली आज़ादी जो मैं अपने आप बहुत खुल के लेता रहता हूँ वो है दुखी होने की आज़ादी। मैं अपने सुकून का दुश्मन हूँ। मेरे पास कमाने को शोहरत है, गवाने को एक अकेला जीवन है। जेब में सीले हुए नोट जैसी एक उम्मीद है, उसे भी जानबूझकर खो देता हूँ। इस आग को बुझाने के लिए मुझे उजाले का दुश्मन करार दिया गया था, अब मैं उसी रोशनी में इस देश को जलते हुए देख के जोर जोर से हंसना चाहता हूँ और रो देता हूँ। वाह क्या बात। दूसरी आज़ादी है डरने की आज़ादी। अभी कविता का मौजूद में क्या कहूँ, जो हुआ हमारे दिल्ली में भी उमर खालिद नाम के लड़के पर जो उसे मारने की कोशिश हुई, तो वो डर मैं चाहता हूँ मेरे अंदर जिंदा रहे। मुझे नहीं लगता मैं कोई बेखौफ इंसान जो बिल्कुल सीना खोल कर सड़कों पर घूम सकता है, जिससे मौसम डरने लगता हो, मैं उतना महान नहीं। मुझे डर लगता है, बहुत डर लगता है। ये कविता उसी डर के बारे में है। मैं डरता नहीं ये कहने से कि मैं मरने से डरता, मुझको डर लगता है उनके हथियारों की आज़ादी से। मेरे शब्दों ने सच बोला जिनके सपनों में जा जाकर, मेरे गीतों ने छीन लिया जिनके होठों का अट्टाहस, जिनको शब्दों की गीतों की आवाज़ों की अधिकारों की रोटी और भूख किनारों की, बेरोजगार मजदूरों की बच्चों की और मरीजों की, हंसने और हंसाने वालों की चुप्पी को हासिल करना था, जिनको उन सबके होठों पे एक उंगली को सिल देना था। मैं डरता नहीं ये कहने से कि मैं मरने से डरता हूँ, ये बात शर्म की थोड़े है कि मैं मरने से डरता हूँ। तुम ना मानो या शर्म करो, मैं बार बार ये बोलूँगा कि मैं मरने से डरता हूँ। वो मुझको मार भी सकते हैं, हो सकता है ना भी मारे, हो सकता है मैं मर जाऊँ उनके मंसूबों से पहले, लेकिन सारे इम्कानों में सबसे बलवान ये शंका है वो मुझको मार भी सकते हैं। वाह क्या बात है। वो कहाँ पे मारेंगे मुझको, इस वक्त पे मारेंगे शायद, उस मोड़ पे भी हो सकता है, कितनी दूरी किस तरह से कितने होंगे मैं डरता हूँ। जबकि हर जगह उनकी है, ये वक्त तरीके गिनती भी, वो मोड़ उसकी दूरी भी, सब नाकों की मंजूरी भी, फिर भी मैं सोच नहीं पाता मेरे डरने से क्या होगा। लेकिन फिर भी मैं मरने से डरता हूँ, डरता जाता हूँ, मेरा डर बढ़ता जाता है, सब छोटा होने लगता है, छोटे सपने छोटी आशा, छोटा जीवन छोटी सांसें, छोटे छोटे से शब्दों की छोटी कविता छोटे नारे, छोटी धुन पे छोटे गीतों में छोटी छोटी सी बातें, सब छोटा होने लगता है, मेरा डर बढ़ता जाता है। क्या बात। इस डर की बढ़ती बस्ती में मेरा पीछा करते करते अपने खोजी दस्ते लेकर वो इतने भीतर आए हैं कि पूछ रहा हूँ मैं खुद से वो लौट सकेंगे बस्ती से। डर तो उनका है लेकिन इस डर की बस्ती मेरी है, ये सारे दस्ते उनके हैं लेकिन ये धरती मेरी है। और यही कारण है शायद मैं पल पल इस ना जाने कब आ जाने वाली मृत्यु से डर रहा हूँ, डरता रहता हूँ, लेकिन फिर भी
अपने भीतर अपने बाहर हर तरह से इस युद्ध की हर एक सतह पे लड़ रहा हूं, लड़ता रहता हूं। वाह, अगली कविता है धूर्त। अब मैं पढ़ूंगा, वो पता नहीं उसके बारे में, पढ़ देता हूं। जब सूरज निकलेगा और भले लोग उबर रहे होंगे पिछली रात से हुए लंबे युद्ध की पीड़ा से, तब सबसे आखिर में जागेंगे धूर्त। जब तेज धूप होगी और भले लोग जमा कर रहे होंगे अगली रात से होने वाले युद्ध का असला, अपने घर बनाते हुए उन पर सबसे जोर से हंसेंगे धूर्त। जब सांझ की तरफ बढ़ेगा दिन और भले लोग जलाएंगे आग, उन्हें आतंकी कह के सबसे बड़े पत्थर फेंकेंगे धूर्त। जब रात सरहद पर होगी और सर्द हवाएं छीन रही होंगी भले लोगों का ताप, तब अपने दरवाजों पर लगाकर ताला, कंबल में छुप रहे होंगे धूर्त। फिर आखिरकार रात आएगी और भले लोग खड़े होंगे अपनी मशालों के साथ रात से होने वाले अनवरत युद्ध के लिए, तब उनकी शरण में फिर से सबसे पहले रोते हुए आएंगे धूर्त। अगली आज़ादी वो है जिसके बारे में हमारे बहुत से एक्टिविस्टों ने कोर्ट में लड़ा लंबे वक्त तक और उसको पाया, वो है निजता की आज़ादी। सरकार ने कोर्ट में कहा था कि जनता के शरीर पर भी हमारा हक है, तो हमारा शरीर भी हमारा नहीं है। तो ये कविता उस वक्त लिखी थी मैंने, ये सटायर थियर का है। मेरी किडनी भी सरकार की, मेरा लीवर भी सरकार का, ये सुनकर जो मुझको आया वो फीवर भी सरकार का। मैं भूखा था तो दिल्ली का हर गेट बजाकर आया जी, दफ्तर के हर एक अफसर की तशरीफ खुजाकर आया जी। मैं नई होप के झांसे में एक बटन दबा के आया जी, हर रोटी ढूंढने निकला था और पेट गवा कर आया। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। अब नया खलीफा आया है, फरमान पुराना लाया है, जिसको वो झूठा कहता था क्या मेमोरेंडम माया है। है नया खलीफा नियम वही, है नया नशा पर चिलम वही, ये प्रजातंत्र का पाठ नया है, नया मगर है नॉट नया। ये भी मुझको दौड़ाता है और हाथ पे ये लिखवाता है, मेरा कान भी है सरकार का, मेरा होंठ भी है सरकार का, फिर ब्रेन वॉश हो जाने पर मेरा वोट भी है सरकार का। मैंने जांघों पे ठोक ताल, लीडर से मांगा लोकपाल, ब्यूरोक्रेसी सरकाओ जरा, क्या करते हो बतलाओ जरा, उल्टा मुझ पे चीख पड़ा और दाव भी उसका ठीक पड़ा। थी फालतू आधी आबादी, लगी फालतू उनको आजादी, सब बोले कि सरकार भली, उसके जूते की मार भली, मैं आंसू टपकाऊं तो बुरे, वो टपकाए तो लार भली। जब आबादी से बोलूं मैं, एक कॉन्स्टिट्यूशन होता है, उसको पढ़ने की बात से ही उन्हें कॉन्स्टिपेशन होता है। सब कहते हैं चुप हो जाओ और साथ हमारे दोहराओ, मेरी आत्मा भी सरकार की, मेरा तन भी है सरकार का, चाहे बेमन से दूं लेकिन मेरा मन भी है सरकार का। लीडर बहुमत के सागर पर हाय शेषनाग सा बैठ गया, लक्ष्मी को पास बिठा खुद ही विष्णु के कोस में लेट गया। सीना चीरो हनुमान बनो, हमको वो नसीहत देता है, उसके चंदे का पूछो तो वो आंख लाल कर लेता है, पर भीड़ है एक तरफा प्रेमी, पर भीड़ है एक तरफा प्रेमी, हर ताना शाह से प्यार करे, एक आग का दरिया पाने को एक आग का दरिया पार करे। तुम जनता हो या डस्टबीन, तुम जनता हो या डस्टबीन, जो हर कचरा स्वीकार करे, अपनी हत्या को मोक्ष कहे, हत्यारे की जयकार करे। मेरी आंखें भी सरकार की, मेरा चश्मा भी सरकार का, मेरी दारू भी सरकार की, मेरा चक्की भी सरकार का। इस सेगमेंट की काफी कविता पढ़ देता हूँ मैं। अब हम सबके देश प्रेम की परिभाषाएं अलग अलग होंगी, हम अलग अलग लोग हैं, सबकी परिभाषाएं होंगी, तो वही बात हो जाएगी जो
हाँ तो जब भी बात आती है एक शब्द की, सबको ये कह दिया जाता है कि इस पर कुछ नहीं बोल सकता, कोई नहीं बोल सकता, इस पर नहीं बोलने का, कबूर जी के मुताबिक इस पर नहीं बोलने का, तो झंडे की बात है। हमें एक नए झंडे की जरूरत है, हमें एक नए झंडे की जरूरत है, हमें एक ऐसा झंडा चाहिए जिसे कोई भी नंगा ठिठुरता शरीर संसद की इमारत से उतार कर पहन सके, जिसे बरसते हुए अगस्त में छत बनाकर ताना जा सके, क्या बात, उबाला जा सके आधा सेर चावल जिसे जलाकर, एक झंडा जो गरिमा भंग होने पर तमतमाता हुआ ना आए हमारे घर सायरन बजाता हुआ। अद्भुत।